संध्या बाजार से सब्जियां लेकर घर आ रही थी, तभी रास्ते में संध्या को एक टोकरी दिखाई देती है। उस टोकरी में कुछ सोने की अरबी रखी हुई थी। अरे ये क्या, इस टोकरी में सोने की अरबी? लगता है किसी रईस आदमी ने इस सोने की अरबी को बनवाया होगा और गलती से इसे यहाँ भूल गया। तभी उस अरबी से आवाज आती है, अरे अरे, मैं एक जादुई सोने की अरबी हूँ और मुझसे मेरी मालकिन थोड़ी नाराज हो गई है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया है। और जब तक मेरी मालकिन मुझे लेने नहीं आती, क्या तुम मुझे तब तक अपने घर में रख लोगी कि कोई भी गलत इंसान मुझे अपने घर ले जाए और मेरी जादुई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे? तुम जादुई सोने की अरबी हो और तुम्हें तुम्हारी मालकिन ने छोड़ दिया? क्योंकि मैं कभी कभी जादुई शक्तियाँ दिखाने में आलस कर जाती हूँ, इसलिए मालकिन मुझसे नाराज हो गई और उन्होंने मुझे इस बीच रास्ते में छोड़ दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने घर ले जाओ, कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा मन बहुत साफ है, और वैसे भी मुझे लगता है कि मेरी जादुई शक्ति तुम्हारे भी बहुत काम आएंगी। संध्या एक गरीब थी और विधवा औरत थी, और गरीबी में जैसे तैसे अपना जीवन जी रही थी। ससुराल में उसकी नंद काजल और सास ममता रहा करती थी। संध्या उस जादुई सोने की अरबी को अपने घर ले आती है। संध्या दिल की बहुत साफ थी। वह घर जाकर जादुई सोने की अरबी की मदद से घर में सभी के लिए अच्छा अच्छा खाना मंगवा लेती है। अरे ये तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान आ गए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई सोने की अरबी। देखा मेरा कमाल, मैं तुम्हारी मदद बड़ी ही आसानी से कर सकती हूँ, लेकिन एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, कभी भी मुझे कोई गलत इंसान हाथ ना लगाए, क्योंकि जिसके मन में लालच होगा या जो कोई मुझे गलत इरादे से मेरी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना चाहेगा, वो शक्ति उल्टी हो जाएगी। मेरी जादुई शक्ति हमेशा किसी अच्छे इंसान और अच्छे काम के लिए ही इस्तेमाल होगी। मैं वादा करती हूँ कि कभी तुम्हारी जादुई शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि कोई भी तुम्हें गलत इरादे से चोरी करने की कोशिश न कर पाए।